दिल्ली जाने वालों को ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। जी हां, सीएम रावत ने डाटकाली मंदिर के पास डबल लेन टनल का उद्घाटन कर दिया है। इस टनल का नामकरण इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। गौरतलब है कि इस टनल को समय से पूर्व ही तैयार कर लिया गया है, साथ ही इस टनल के बनने में अनुमानित लागत से कम खर्च हुआ है। आज जब यहाँ पर इस टनल का लोकार्पण किया जा रहा है, तो इस टनल की खासियत यह है कि ये समय से 8 महीना पहले बनी है और 9 करोड़ से ज्यादा इसमें बचत हुई है। इस पर जो आगलन था वो कुल मिलाकर 71.93 करोड़ था, जिसमें टनल की लागत 56 करोड़ थी। मूल अनुबंध जो हुआ था, और उसमें 9 करोड़ कम लागत में यह टनल बनकर तैयार हुई है। ये भारत में इंजीनियरिंग के जनक माने जाते हैं, उनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऐसे एम विश्वेश्वरैया दक्षिण भारत के रहने वाले थे। इस टनल को हम जितने भी इंजीनियर हैं और जो लोग इंजीनियरिंग में रुचि रखते हैं, जिन्होंने भारत की इंजीनियरिंग के बारे में जाना है, आज ऐसे 2 भारत रत्न, कल श्रद्धेय अटल जी को और आज श्रद्धेय एम विश्वेश्वरैया, इंजीनियर विश्वेश्वरैया के नाम से जाना जाता है, उनके नाम से इस टनल का नामकरण किया गया है। बता दें कि इस टनल को कई मानकों के तहत परखा गया है। टनल पर भूकंप और आपातकालीन समस्याओं से खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। 5 सितंबर को सीएम रावत ने अटल सेतु का लोकार्पण किया था। अटल सेतु का निर्माण भी तय समय से पहले और कम लागत में हुआ था। देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।